वहीं बिलासपुर में मोहन मरकाम ने एक बार फिर मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मरवाही की जनता ने भूपेश सरकार की नीतियों और योजनाओं पर मुहर लगा चुकी है। जिस तरह मरवाही की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कांग्रेस 20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रही है। आगे मरकाम ने कहा कि बीजेपी और जोगी कांग्रेस के समझौते को मरवाही की जनता ने नकार दिया है। दोनों दल ए और बी टीम है। देखिए, मरवाही चुनाव 10 तारीख को जनादेश आएगा और मरवाही की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों योजनाओं को मुहर लगा दी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय विधायक मोहित करकेटा जी, अटल श्रीवास्तव जी और शैलेश पांडे जी और हमारे अर्जुन तिवारी जो हमारे संगठन के प्रभारी रहे, उनके माध्यम से लगातार हमने विधायकों और अन्य साथियों के साथ चुनाव लड़ा था और मरवाही की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जीता रही है।